मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारी कक्षा बी ए थर्ड ईयर पेपर प्रथम भक्ति काव्य। तो आज से पहले वाली वीडियो में हमने भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की संत काव्य धारा या ज्ञान आश्रय काव्य धारा की प्रमुख कवियों के बारे में जाना और आज हम भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाली सूफी काव्य धारा या प्रेम आश्रय काव्य धारा के बारे में हम प्रेमाश्रय काव्य धारा की प्रमुख कवियों के बारे में आज हम जानेंगे। तो सूफी काव्य धारा या प्रेमाश्रय काव्य धारा की प्रमुख या प्रतिनिधि कवि थे जायसी। इनका जन्म 1492 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जायस नामक स्थान पर हुआ था और इनका नाम मोहम्मद था, मलिक इनकी उपाधि थी। तो इस तरह से इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी बनता है, यानी जायस के ये रहने वाले थे, मोहम्मद इनका नाम था और मलिक इनकी उपाधि थी, इसलिए इन्हें इनका जो पूरा नाम है वो मलिक मोहम्मद जायसी है या मलिक मोहम्मद जायसी के नाम से इनको जाना जाता है। जायसी ने अपनी पुस्तक आखिरी कलाम में अपना परिचय देते हुए लिखा है कि 30 वर्ष की अवस्था में वे काव्य रचना करने लगे थे। जायसी के पिता का नाम शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ था, वे कृषक थे, अतः जायसी ने भी अपने पैतृक व्यवसाय को अपनाया। 7 वर्ष की आयु में जायसी को चेचक निकली जिससे उनका बायां कान और उनकी बाईं आंख जाती रही, इसके बारे में उन्होंने स्वयं अपनी रचना में बताया है। शेरशाह सूरी जो थे वो मलिक मोहम्मद जायसी के समकालीन थे, यानी अगर हमारे ये प्रश्न बनता है कि मलिक मोहम्मद जायसी के समकालीन बादशाह कौन थे, तो वो थे शेरशाह सूरी। जायसी ने संपूर्ण अपना जो जीवन था वो गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। उनका एक पुत्र भी था परंतु मकान की छत गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई, तभी से जायसी इस संसार से विरक्त हो गए थे। जायसी के गुरु का नाम शेख मोहद्दी या मोहियुद्दीन था। कुछ विद्वान उनके गुरु का नाम शेख मोहद्दी बताते हैं और कुछ विद्वान उनके गुरु का नाम मोहियुद्दीन बताते हैं। 1542 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी की अमेठी के जंगलों में मृत्यु हो गई थी, यानी मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म है 1492 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली के जायस नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु 1542 ईस्वी में अमेठी के जंगलों में हुई थी। और जायस के ये रहने वाले थे, मोहम्मद इनका नाम था और मलिक इनकी उपाधि थी, इस तरह से इनका नाम मलिक मोहम्मद जायसी बनता है। इनके पिता का नाम शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ था। इनके गुरु का नाम शेख मोहद्दी या मोहियुद्दीन था और ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे। अब हम बात करते हैं जायसी की रचनाओं के बारे में। जायसी की 3 रचनाएँ प्रसिद्ध है, आखिरी कलाम, अखरावट और पद्मावत। आखिरी कलाम में इस्लाम मत के सिद्धांतों का निरूपण है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर ब्रह्म का सूक्ष्म विवेचन किया गया है और पद्मावत जायसी की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसमें इतिहास और कल्पना का मणिकांचन संयोग है। पद्मावत उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। वे प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। मुसलमान होते हुए भी उनका अंतःकरण भारतीय संस्कृति व सभ्यता के प्रेम से परिपूर्ण था। पद्मावत की रचना मसनवी शैली के आधार पर हुई है। इसमें मसनवी शैली के अनुरूप प्रारंभ में ईश्वर वंदना, मोहम्मद साहिब, तत्कालीन राजा और गुरु की वंदना है। उसके बाद कवि ने अपना परिचय देकर अपने नायक का परिचय दिया है। इसके उपरांत कथा का प्रारंभ होता है। यह कृति कुल 57 खंडों में विभाजित है, यानी पद्मावत के अंदर 57 खंड हैं। उसके बाद ये था जायसी का संक्षिप्त जीवन परिचय। जायसी के बाद सूफी काव्य धारा की परंपरा में जो दूसरा नाम आता है वो है कुतुबन। कवि कुतुबन के जीवन काल के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वे चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे, यानी कुतुबन के गुरु का नाम बुरहान था और वो जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। इसलिए इनके अकॉर्डिंग शेख बुरहान और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के समय के अनुसार इनका समय विक्रम की 16वीं शताब्दी का मध्य भाग माना जा सकता है।
इनकी प्रमुख रचना थी मृगावती, यानी कुतुबुद्दीन ने मृगावती नामक प्रेमाख्यान काव्य की रचना की थी, जो सूफी काव्य परंपरा में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मृगावती का रचना काल सन 1501 माना जाता है। इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। तो ये था कवि कुतुबुद्दीन का सार रूप में जीवन परिचय। उसके बाद सूफी काव्य परंपरा में जो तीसरा स्थान आता है वो है मंझन, मंझन कवि का। कवि मंझन के जीवन के बारे में भी कुछ ज्ञात नहीं होता है। इनके बारे में इतना कहा जाता है कि इन्होंने लगभग सन 1545 के आसपास मधुमालती नामक प्रेमाख्यान काव्य की रचना की थी। इसमें कनेसर नगर के राजा सूरज भान के पुत्र मनोहर व महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कहानी है। तो इसके अंदर इसमें भी कवि ने जो दूसरे प्रेम खान है उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार ही अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तो ये थे हमारे तीसरे कवि, सूफी काव्य परंपरा के अंदर आने वाले तीसरे कवि मंझन। उसके बाद जो चौथे महत्वपूर्ण कवि हैं वो है उस्मान। कवि उस्मान जहांगीर के समय के वर्तमान थे, यानी उनके जो तत्कालीन जो बादशाह थे वो जहांगीर थे, और उस्मान कवि जो थे वो गाजीपुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था और इन्होंने अपना उपनाम मान लिखा है। ये अपने काव्य के अंदर अपना उपनाम है वो मान लिखते हैं। ये हाजी बाबा के शिष्य थे, यानी उस्मान के गुरु का नाम हाजी बाबा था। गाजीपुर के ये रहने वाले थे, जहांगीर के समय में वर्तमान थे और पिता का नाम शेख हुसैन था। उस्मान ने 1613 ईस्वी के आसपास चित्रावली नामक प्रेमाख्यान काव्य की रचना की। इसका कथानक राजकुमार सुजान और नायिका चित्रावली के प्रेम पर आधारित है। तो इस तरह से इन जो उस्मान है इनकी प्रसिद्धि इनकी प्रेमाख्यानक काव्य रचना चित्रावली के कारण है, जिसकी रचना इन्होंने 1613 ईस्वी में की थी। उस्मान के बाद स्थान आता है सूफी काव्य परंपरा के अंदर कासिम शाह का। कासिम शाह दरियाबाद के रहने वाले थे और संवत 1788 के लगभग वर्तमान थे। इन्होंने हंस जवाहिर नाम से प्रेमाख्यान काव्य की रचना की। इसमें कवि कासिम शाह ने बलख नगर के शासक बुरहान शाह के पुत्र हंस और चीन देश के राजा आलम शाह की पुत्री जवाहर की प्रेम कहानी वर्णित की है। यह कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है। कवि ने कथानक में वर्णित घटना स्थलों का बलख, चीन, रूस आदि अभारतीय क्षेत्रों का नामकरण किया है। यानी कासिम शाह की जो रचना हंस जवाहिर है इसके अंदर इन्होंने भारत से बाहर के क्षेत्रों का भी वर्णन किया है। तो कासिम शाह हैं वो प्रेमाख्यान परंपरा में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं अपनी कृति हंस जवाहिर की वजह से, यानी इनकी प्रेमाख्यानक काव्य रचना का नाम है हंस जवाहिर। उसके बाद कासिम शाह के बाद सूफी काव्य परंपरा में अगला नाम आता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, वो है मुल्ला दाऊद का। मुल्ला दाऊद का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार इन्होंने प्रथम सूफी काव्य की रचना की थी और इनके द्वारा लिखा हुआ प्रथम सूफी काव्य है लोर कहा, चंदायन या लोर कहा। चंदायन का रचना का नाम डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने लोर कहा बताया है। तो इस तरह से मुल्ला दाऊद जो हैं वो प्रथम सूफी कवि ठहरते हैं। मुल्ला दाऊद ने चंदायन प्रेमाख्यानक काव्य की रचना फिरोज शाह तुगलक के समय सन 1379 के अंदर की थी। और जैसा कि मैंने बताया डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार यह सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। तो सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ होने के कारण मुल्ला दाऊद जो है वो प्रथम सूफी कवि ठहरते हैं। और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को ही लोर कथा के नाम से अभिहित किया है, लेकिन इसकी प्रसिद्धि जो है वो चंदायन के रूप में अधिक है। मुल्ला दाऊद के बाद सूफी काव्य की प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवियों के अंदर जो अगला नाम है वो है शेख नबी का। शेख नबी के जीवन के बारे में भी
हमें ज़्यादा प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन इनके बारे में इतना पता है कि वे जौनपुर जिले में दोस्तपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे और संवत 1676 के आसपास वर्तमान थे। इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक प्रेमाख्यान काव्य लिखा। इस प्रेमाख्यान काव्य में राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। तो ज्ञानदीप शेख नबी की प्रसिद्धि है वो इनकी रचना ज्ञानदीप की वजह से है, और जो कि ज्ञानदीप है ये सूफी काव्य परंपरा में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस तरह से हमारे सूफी काव्य परंपरा के अंदर जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, कासिम शाह है, मुल्ला दाऊद और शेख नबी इतने प्रमुख कवि हैं जिनके बारे में, जिनके जन्म के बारे में, जिनकी रचनाओं के बारे में हमने जाना। मलिक मोहम्मद जायसी की तीन रचनाएं आखिरी कलाम, अखरावट और पद्मावत। कुतुबन की जो प्रमुख रचना है वो है मृगावती। मंझन की प्रमुख रचना है मधुमालती। उस्मान की प्रमुख रचना है वो है चित्रावली। कासिम शाह की प्रमुख रचना है हंस जवाहिर। मुल्ला दाऊद की प्रमुख रचना है चंदायन, और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसे लोर कहा है। और शेख नबी की प्रमुख रचना है ज्ञानदीप। यानी ये इतनी रचनाएं जो हैं वो हमारी सूफी काव्य परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, यानी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, और इनके रचयिता जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, कासिम शाह, मुल्ला दाऊद और शेख नबी है। तो ये थे हमारे सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख कवि।